whether it make a difference. It doesn't. Sing. जैसा कि सभी को पता है, इस बार 2020 वर्ल्ड कप का आयोजन वेस्टइंडीज और अमेरिका में किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय स्क्वाड का जल्द ही ऐलान किया जा सकता है। इसी बीच आईसीसी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए युवराज सिंह को 2020 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनाया है। उन्होंने युवराज सिंह को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। आईसीसी ने इस बात की जानकारी खुद दी। आपको बता दें, युवराज सिंह भारत के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक हैं। 2020 वर्ल्ड कप में उनके नाम कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं। ऐसे में युवराज सिंह को 2020 वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर साइन किया है। युवराज सिंह का नाम जब भी किसी के दिमाग में आता है तो सबसे पहले वे उनके वे 6 छक्के याद आते हैं जो उन्होंने 2007 में 2020 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ लगाए थे। युवराज सिंह ने इस मैच में सिर्फ 12 गेंदों पे 50 रन बनाए, जो इस टूर्नामेंट का सबसे तेज अर्धशतक है। युवराज सिंह के शानदार फॉर्म के कारण टीम इंडिया ने साल 2007 का 2020 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। इस बार 2020 वर्ल्ड कप का आयोजन 1 जून से लेकर 29 जून तक वेस्टइंडीज एंड यूएसए में किया जा रहा है। आपको बता दें, इस बार टोटल 20 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं वर्ल्ड कप में, और इन 20 टीम्स को ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी में बांटा गया है। इंडिया के मैच इस बार आयरलैंड, पाकिस्तान, यूएसए एंड कनाडा के खिलाफ होंगे। और आपको पता है, जिस मैच का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है वो मैच होता है इंडिया एंड पाकिस्तान का। इस बार यह मैच संडे 9 जून 2024 को खेला जाएगा, और इस मैच में इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा कप्तान होंगे और पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम कप्तान होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आईसीसी ने महान धावक उसैन बोल्ट को 1 से 29 जून तक होने वाले वर्ल्ड कप के लिए 2020 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आपको बताना चाहते हैं, जमैका में जन्मे उसैन बोल्ट ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक खेलों में इतिहास रचा था। उन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर एंड 4x100 मीटर दौड़ जीती थी। एंड बोल्ट के नाम में वर्तमान में 100 मीटर, 200 मीटर एंड 4x100 मीटर में रिकॉर्ड दर्ज है। बोल्ट विश्व कप के अपने देश आने और अपनी नई भूमिका के लिए उत्साहित हैं। बोल्ट इस बार 2020 विश्व कप के लिए बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि यह 2020 विश्व कप उनके देश वेस्टइंडीज में आयोजित किया जा रहा है। आईसीसी से जारी वीडियो में बोल्ट ने कहा, मैं आगामी आईसीसी पुरुष 2020 विश्व कप का दूत बनकर एक्साइटेड हूँ। कैरिबियन देशों में क्रिकेट जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस खेल के लिए हमेशा मेरे दिल में एक विशेष स्थान रहा है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।